नमस्कार मित्रों, अभियान यूपी पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे 17वें दिन का सलूशन। इससे पहले 16 पेपर हो चुके हैं, आज 18वां पेपर होगा, 17 पेपर हो चुके हैं। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक प्रतियोगियों के बीच शेयर करें। मित्रों, आइए देखते हैं 17वें दिन का पेपर। फर्स्ट करंट अफेयर्स से प्रश्न है 12-13, पहले उसको देखेंगे। वालांग त्रिकोण, जहां पर भारत, चीन और म्यांमार के सामरिक हित हैं, किस भारतीय राज्य की सीमा पर स्थित है? तो ये उत्तर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है, भारत की सबसे लंबी ऊंची सड़क लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड का हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया? ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोग थे यूपी के, तो ये कर लीजिएगा, उद्घाटन शायद मुख्यमंत्री जी ने किया है। आपको इस प्रश्न को देने का अर्थ यही था कि यूपी का पेट प्रश्न है, आप हो सकता है यहां से आ जाए। ये गाजियाबाद में हिंडन एलिवेटेड जो रोड बनी है 10.3 किलोमीटर है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न बना है। तो उद्घाटन किसने किया था ये देख लीजिएगा, लेकिन दोनों लोग मौजूद थे वहां पे। अगला प्रश्न देखेंगे, एडॉप्ट द हेरिटेज स्कीम, जिसे पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर 2017 को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में सहभागी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ताजमहल को भी दे दिया गया है, प्राइवेट कंपनी है जो वो टोबैको वाली सिगरेट वाली कौन सी कंपनी है, आईटीसी और कोई एक और कंपनी है उसको, और लाल किले वाले मुद्दे पे अडानी ग्रुप से जो विवाद है या रिलायंस का है किसी का है उस पर विवाद था, अभी काफी चर्चा में भी था। तो ये दोनों है, तीन मंत्रालय इसको, तीन लोग मिलकर काम कर रहे हैं इसमें, पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कथनों पर विचार करें। इस गठन की ये सही है कि संथानम कमेटी 1964 में हुआ था, यह एक वैधानिक स्टेट्यूटोरी बॉडी है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, 4 वर्ष है, तो ये गलत हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1 और 2, 4 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। हाल ही में नासा ने एस्पायर का एक सफल परीक्षण किया, यह संबंधित है, तो इसको हम देख लेंगे सोल्यूशन में। वालांग देख लीजिएगा, नियर अरुणाचल है, लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड जो है हिंडन एलिवेटेड रोड है यूपी में, गाजियाबाद 10.3 किलोमीटर, एडॉप्ट द हेरिटेज में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एएसआई और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तीनों हैं, 4 वर्ष का कार्यकाल है, 65 वर्ष। एस्पायर का फुल फॉर्म ही याद कर लीजिए आप, एडवांस सुपरसोनिक पैरासूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट। तो ये एस्पायर जो है मार्स पे जाने के लिए एक पैरासूट, एडवांस सुपरसोनिक पैरासूट तैयार किया गया है नासा द्वारा, तो उससे संबंधित है, तो ये पैरासूट होगा, उत्तर होगा ए। BS4, हाल ही में BS4 शहर में, किस शहर में सबसे पहले, सॉरी BS6 है, भारत स्टेज 6, ये Euro 6 के ही तर्ज पर है, ये दिल्ली ने सबसे पहले लागू किया है, उत्तर होगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2018, तो ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है, NIRF 2018, इसमें 4-5 कैटेगरीज हैं। टॉप कॉलेजेस की कैटेगरी सही है मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली, DU का है ये, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में IIM अहमदाबाद, टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ये IIT दिल्ली नहीं है, IIT दिल्ली थर्ड पे है, पहले पे है IIT मद्रास, वो चेन्नई, IIT चेन्नई, टॉप मेडिकल कॉलेज में एम्स है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी में ISC बेंगलोर है। इसके सोल्यूशन में भी आप देख सकते हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा, यहां से हम मेरे ख्याल से जरूर प्रश्न बनेगा। ये 2016 में शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है इसको करवाती है रैंकिंग, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT चेन्नई है, थर्ड पे IIT दिल्ली है, टॉप यूनिवर्सिटी ओवरऑल, और ओवरऑल यूनिवर्सिटी में या ओवरऑल सारी सुविधाओं में इसके कुछ मानक हैं उनके आधार पर लिया गया, ISC बेंगलोर है। 8वां प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से कौन चार धाम में सम्मिलित नहीं है? तो ये तीनों हैं और यमुनोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तर होगा इसका डी। हाल ही में भारत में किसे पीछे करते हुए चीन के बाद स्टील का दूसरा उत्पादक, तो ये जापान है। इस समय क्रम हो जाएगा चीन, भारत, जापान। उत्तम ऐप, उत्तम ऐप कोयले से है, कोयला की क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 8 मार्च विमेन्स डे 2018 को पोषण अभियान चलाया था, इसमें लक्ष्यों को, इसमें चार लक्ष्य हैं मुख्यतः, तीन तो हमने दे दिए हैं, एक और देख लीजिएगा आप, स्टनिंग का है बच्चों में, तो वहां 2% किया गया है 6 को, यहाँ 9 से 3%, 9 से 3%, 6 से 2% और वो भी साथ 6 से 2% है, देख लीजिएगा। तो ये तीनों सही हैं, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रश्न आपको दिया गया था कि नवजात शिशुओं और महिलाओं में जो एनीमिया है उसको दूर करने के लिए, कुपोषित दूर करने के लिए सरकार का टारगेट किया गया है। स्वाधार गृह योजना, ये संकट में फंसी महिलाओं के लिए होता है, जो जिनके पास कोई अपना होता नहीं है उसको सरकार जो है घर आवास मुहैया कराती है इस स्कीम के तहत। डिजर्ट टाइगर 5 जो है यूएई और मलेशिया के बीच में, तो उसका उत्तर होगा बी। आइए साइंस के प्रश्न को देखते हैं। सत्य कथनों का चयन करें। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो डीसी को नहीं एसी को डीसी में करता है, और ये डीसी को एसी को डीसी और ये डीसी को एसी, तो ये उल्टा कर दिया गया है, तो कोई भी सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अल्टीमीटर ऊंचाई सही है, एनिमोमीटर, वायु वेग, विंड स्पीड जो है ये सही है, मैनोमीटर है जो प्रेशर नापता है, प्रतिरोध नहीं है, तो ये गलत होगा, यही उत्तर होगा आपका सी। पैदोमीटर समुद्र की गहराई 15 का होगा सी। एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻⁙ मीटर। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है नहीं है? तो प्राथमिक रंग होते हैं, याद कर लीजिए, रेड, ग्रीन और ब्लू, तीन होते हैं ये प्राइमरी, इसके बाद ये पीला जो है सेकेंडरी कलर है, देख लीजिएगा लुसेंट में। निम्न में से कौन सी क्रियाएं इंद्रधनुष बनाने में सहायक हैं? तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं इंद्रधनुष बनने में घटित होती हैं। उत्तर होगा इसका डी, 18वें का डी होगा। 19 देखेंगे, डायनमो, माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सही है। लाउड स्पीकर, ये भी सही है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो का कार्य होता है मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, तो ये उसका उत्तर होगा ए, ये गलत है। थोरियम भारत के किस राज्य या राज्यों में पाया जाता है? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, सभी में पाया जाता है। उत्तर होगा इसका डी। अगला प्रश्न है, लेजर किरणें जो होती हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीडी वगैरह बना के किया ही जाता है, दूरी व समय नापने के लिए किया ही जाता है, त्रिविमीय जो होलोग्राफी होती है, ये होलोग्राम बनते हैं वो इसी से बनते हैं, उड़ान पथ में होता ही है, ये राडार में भी लगे रहते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, और ये उड़ान पथ भी, रूट भी तय करते हैं प्लेन्स के। चिकित्सा में है ही, आपको वर्ल्ड 60 और आयोडीन 131 का पढ़ते ही हैं, जो चिकित्सा में यूज होता है ट्यूमर के लिए, जो भी बीमारियां होती हैं आजकल, आंखों के ऑपरेशन लेजर से हो रहे हैं काफी, तो ये सभी होंगे। उत्तर हो गया डी। निम्न में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के उदाहरण है? आकाश का नीला दिखाई देना सही है, स्कैटरिंग है। उगते व डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी स्कैटरिंग है। रेगिस्तान में मिराज जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए होता है, तो ये उत्तर इसका ये नहीं होगा, बाकी एक और दो सही है। सत्य कथनों का चयन करें। मायोपिया जो होता है इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और ये हाइपरमेट्रोपिया जो होता है दूर दृष्टि दोष, तो आपको कभी कभी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक दो बार दिया भी है, तो इसको हमने उल्टा कर दिया है। मायोपिया जो होता है उसके लिए एक फार्मूला याद कर लीजिए, माई नियर केव,
माई नियर के मतलब क्या, मायोपिया, नियर, ये नियर हो गया, इसका अर्थ हो गया आपका कि निकट दृष्टि दोष, और के मतलब कौन के, तो एक याद कर लेंगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया जो है अलग हो जाएगा। तो ये आता है और गलत हो जाता है, जानते हुए प्रश्न हम गलत कर देते हैं, तो इसमें कोई सही नहीं है। इसमें कॉनकेव होता है यूज, और इसमें कॉन्वेक्स होता है, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, टंगस्टन धातु का प्रयोग विद्युत बल्ब में उसके उच्च गलनांक के कारण किया जाता है। सही बात है, बल्ब के अंदर N2 या आर्गन की गैस भरी जाती है क्योंकि वो रिएक्ट न करे टंगस्टन से और उसका ऑक्सीडेशन न हो, तो ये स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर होगा ए, यहां पे हमने शायद बी दिया है क्या, उत्तर देख लेंगे, स्पष्टीकरण नहीं है, ये उत्तर होगा ए, यहां पे बी लिख दिया है। यही गलती है आपसे भी होगी एग्जाम में, कभी कभी ए को बी कर देता है, बी को ए, तो इसी में हम गड़बड़ कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे मॉडरेटर, तो उत्तर होगा इसका ए। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भारी जल D2 और ग्रेफाइट जो है मुख्यतः यूज किया जाता है। बेरिलियम ऑक्साइड की छड़े भी कभी कभी यूज की जाती हैं। कैडमियम और बोरान जो है ये कंट्रोलर के रूप में यूज किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में नहीं। तो 1 और 2 होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ए। बेरिलियम ऑक्साइड कभी कभी यूज किया जाता है लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है। आगे देखेंगे 26 प्रश्न में, नाभिकीय संलयन, अब यहाँ पे फ्यूजन लिख दिया गया है, ये बड़ी बहुत बड़ी ब्लंडर गलती हो गई, ये फ्यूजन है, इंग्लिश वाले जो है वो गड़बड़ा जाएंगे, ये फ्यूजन है। तो इसमें ये दोनों फ्यूजन है, उत्तर इसका होगा बी। संलयन का होता है फ्यूजन, तो फ्यूजन होता है, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, फ्यूजन होता है, बाकी इन दोनों में फ्यूजन होता है, उत्तर होगा इसका बी। भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, जादवपुरा झारखंड में। अगला देखेंगे 28, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो राडार्ट रॉबर्ट वाटसन सही है, ए फ्लेमिंग पेंसिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही है, एक्सरे रॉन्जन ने किया है, रदरफोर्ड ने नहीं किया, तो ये यही होगा उत्तर, ब्लैक होल जो है एस चंद्रशेखर ने। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, NPL जो है ये न्यू दिल्ली में है, और बाकी सारा TFIR जो है मुंबई, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र तुम्बा, और अंटार्कटिक स्टडी सेंटर जो है बेंगलुरु, तो उत्तर होगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, सभी लोग जानते हैं, वन नोट सॉफ्टवेयर है, ये प्ले स्टोर भी सॉफ्टवेयर है, ऑप्टिकल माउस जो है ये क्या है, हार्डवेयर है। तो मित्रों जो कोई भी सुझाव हो तो दीजिएगा, आज केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे और अप्रैल से समसामयिकी रहेगी, समसामयिकी के हम 100-200 प्रश्न और अलग से बना के दे देंगे, जिससे कि आपके करंट के लगभग 90% प्रश्न जो है इन्हीं से आसपास आएंगे, सारे ऑप्शन को आप लोग स्टडी कर लिया कीजिए अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।